हेलो दोस्तों, अब मैं आपसे मिल रही हूँ। जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी यानी कि छुट्टी के टाइम पर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ बकरियाँ थी जिन्होंने कि हमारा रास्ता जाम कर रखा था। और यहाँ पर खेतों में चल रहा है सरसों की कुटाई का काम, यानी कि जगह जगह खेतों में कटर लगी हुई है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे, मजे में होंगे। तो मैं स्कूल से आ गई थी, स्कूल से आने के बाद मैं चाय पी क्योंकि मेरा सर हो रहा था भारी बहुत। वैसे भी स्कूल से आते तो लग ही जाता, थकान तो होती है, और नहीं मुझे लग भी रहा है क्योंकि मेरे गले में भी इचिंग हो रही है और थोड़ा सिर भी भारी हो रहा है कि हो सकता है जुकाम लग जाए क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है और ये वायरल सबको लग रहा है। इवन मेरे हस्बैंड को भी, उनकी भी तबीयत खराब है, कल उनके भी इंजेक्शन लगे, उनको भी जुकाम हो रखा है। तो ये तो ऐसा है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो मुझे भी लग गया है। तो थोड़ी देर मैंने चाय पी के रेस्ट किया था, उसके बाद थोड़ा वीडियो का भी काम किया था। अब हो चुकी है शाम, अब करूँगी खाने पीने की तैयारी, बच्चों से पूछूंगी क्या खाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई डिसाइड नहीं कि क्या खाएंगे, जो भी जल्दी से फटाक से बन जाएगा वही मैं बना दूंगी। फिलहाल सब्जी नहीं थी घर में तो सब्जी मैंने मंगाई है, फिलहाल वो खाली कर लेती, देखती हूँ क्या क्या सब्जी लेके आए। सब्जी में आ गया ढेर सारा धनिया और ये काशी फल, और भी काफ़ी सब्जी हैं देखते हैं, और बैंगन भी है, और ये फालर वाली प्याज है, आलू है। तो बना रही हूँ मैं यहाँ पे खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल, इसमें दाल की जो क्वांटिटी है मैंने थोड़ी बढ़ा दी और चावल की क्वांटिटी कर दी है कम, और इसी में मैंने डाल दिए आलू जो इसी के साथ बॉयल हो जाएंगे। तो बस खाली इसको मैं क्या करूँगी, नमक हल्दी ये डाल करके मैं सीटी लगवा करके इसको उबाल लूँगी, फिर इसमें लगाऊंगी तड़का मैं बाद में, और बहुत टेस्टी लगती है। कि शाम के टाइम जैसे कुछ हैवी खाने का मन ना करे तो हल्का फुल्का ये खिचड़ी बना लो। खिचड़ी में पानी में थोड़ा बढ़ा के ही डाल लो क्योंकि खिचड़ी है ना वो थोड़ी ढीली ढीली सी रहती है ना, जब भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि जैसे ठंडी होने के बाद में फिर वो वैसी की वैसी रहेगी, मतलब वो गाढ़ी नहीं रहेगी। तो इसी वजह से मैंने इसमें पानी है जो थोड़ा बढ़ा दिया, और इसी में मैं डाल रही हूँ नमक और हल्दी। बस इसको डाल करके मैं इसमें 3 से 4 सीटी लगवा लूँगी, उसमें बिल्कुल परफेक्ट है जो बन जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा डालूंगी फिर मैं इसमें घी, जिससे क्या है जैसे बाहर जैसे आ जाते हैं तो वो बाहर मतलब ढक्कन से निकल करके आएगी नहीं बाहर। तो इसमें घी डालकर मैं 3 से 4 सीटी लगवा लूँगी। अब यहाँ पर देखिए कुकर में सीटी आ गई थी तो मैंने उसको एक साइड रख दिया था। अब यहाँ कर रही हूँ मैं इसकी तड़के की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर सरसों के तेल में जीरा डाल करके, कुछ खड़े मसाले डाल करके, प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया। तो इसको हल्का सा भून लेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़ी देर बाद टमाटर। टमाटर डालने के बाद में कुछ बेसिक से मसाले, ज़्यादा नहीं मसाले डालने, बस खाली लाल मिर्ची डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डाल करके इस मसाले को भून लिया है, ढक करके चलाएंगे। फिर मैंने उसमें उबली हुई जो खिचड़ी थी वो पलट दिया, जैसे कि दाल में तड़का लगाते बस वही प्रोसेस करना है। ऊपर से डाला ढेर सारा धनिया। अब देखिए खिचड़ी का मजा ही अलग है खाने का। फिर इसको गरम गरम खाइए, चाहे किसी से चटनी से खाइए या दही से खाइए। तो मैंने यहाँ पर मेरी खिचड़ी को दही के साथ में सर्व किया है, तो आप भी देख लीजिए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। घर का जो बाकी का काम होता है, झाड़ू पोछा का यानी कि साफ़ सफाई का, वो मैं कर चुकी हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ देखिए चाय पानी के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। इवन रात में मैं करके सोती हूँ फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाते, तो इनको साफ़ कर लिया था। फिर कर ली थी मैंने यहाँ पर सब्जी की तैयारी। तो बैंगन आलू की सब्जी बना रही हूँ। आज तबीयत थोड़ी ढीली है इसलिए काम स्लो स्पीड में हो रहा है, मुझे पता था कि लेट हो जाएंगे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जगी थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात, और आप सभी को सुबह की राम राम। तो हाँ, मेरा बाकी का काम मैं कर चुकी हूँ, सब्जी बना ली है, अंदर की साफ़ सफाई भी कर ली है। अब बना रही हूँ रोटी फटाफट से, स्कूल जाना है मुझे, और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। रात को भी बहुत तेज मुझे फीवर था, लेकिन फिर मुझे कल भी छुट्टी करूँगी, फिर आज भी छुट्टी करूँगी, इस वजह से मैंने आज की छुट्टी कैंसिल कर दी। कल ही मैं छुट्टी लूँगी क्योंकि कल हमारे निकलेंगे सूरत, तो उसमें मुझे छुट्टी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ खाना, खाना बनाने के बाद फटाफट मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है, फिर मैंने मेरा और मेरी बेटी दोनों का ही टिफिन पैक कर लिया था। मैं जाऊँगी फटाक से तैयार होने, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। जा रही हूँ स्कूल, मन तो गवाही नहीं दे रहा लेकिन देखा जाएगा। अगर जब तबीयत ख़राब हुई तो या तो फिर मैं मेरे बेटे को बुला लूँगी या फिर मेरे हस्बैंड को बुला लूँगी। तो फिलहाल तो मैं स्कूल पहुँच गई थी, यहाँ पर बच्चे हैं जो बारी बारी से गाड़ी से उतर रहे हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे आ गया फीवर, फिर मुझे स्कूल से हाफ डे करके आना पड़ा, और यहाँ बच्चों को भूख लगी थी तो इन्होंने बना लिया पास्ता। बहुत टेस्टी है, एक नंबर। गरम थे,
पक्का दोस्तों मेरी मेहनत आज रंग लाई है, पसीना पसीना हो गया हूँ, पसीना पसीना हो गया हूँ। पिंसू कैसी बनी है? एक नंबर बनी है।